हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी में विजय सब में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड का पार्ट 5 देखेंगे। दोस्तों मैंने पार्ट 4 तक डाल रखा है, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो में दोस्तों जो परसेंटेज वाला सवाल होता है कि एक वर्ग की भुजा को 10% वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना, तो ऐसे इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों स्क्रीन पर, कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे होगा, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक। तो अब कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, अगर वर्ग की भुजा हम मान ले दोस्तों ये पुरानी भुजा अगर पुरानी भुजा ए मान ले कि 100 मीटर है वर्ग की भुजा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ए कितना है दोस्तों, ए 100 है तो 100 का स्क्वायर, तो 100 दो बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, इतना वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। अब कह रहे हैं कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो अगर भुजा 100 है दोस्तों तो नई भुजा कितना हो जाएगा वृद्धि करने पर, नई भुजा 10% की वृद्धि ना, और 100 है तो 100 में अगर 10% वृद्धि कर देंगे, 100 में 10% वृद्धि यानी 110/100 तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी नई भुजा कितना हो जाएगा, 110 मीटर। तो नई भुजा 110 है तो नया क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या भुजा का स्क्वायर यानी 110 का स्क्वायर, 110 दो बार गुणा, 110 गुणा कर दीजिए, 11 दो बार गुणा, 121 और दो ठे जीरो, इतना वर्ग मीटर। तो आप कह रहे ना कि वर्ग क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों पहले क्षेत्रफल कितना था, 10,000 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 12,100 हो गया, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, देखिए कितना बढ़ गया, प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कर लीजिए, क्या पहले तो 10,000 था अब हो गया 12,100, तो कितना बढ़ गया, घटा लेंगे तो 12,100 में से अगर 10,000 घटा लेंगे तो कितना रहेगा, 2,100 यानी 2,100 बटा में, अब कहां से बढ़ेगा दोस्तों, तो 10,000 है तो 10,000 से अब बढ़ेगा कि 2,100 से बढ़ेगा, तो 10,000 से बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये 90 है, तो हम कहेंगे कि कहां से बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो 10 से ना, 10 से बढ़ते बढ़ते जाएगा 90 तक, आ कहेंगे कहाँ से घटेगा तो 90 से घटेगा, घटते घटते जाएगा 90 तक, तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यानी छोटा से बढ़ेगा तो दोनों में छोटा कौन है दोस्तों, 10,000, तो 10,000 नीचे हो जाएगा 10,000, प्रतिशत में बनाने के लिए गुणा, प्रतिशत वृद्धि पूछा है, 100 से गुणा तो 0 से 0 खत्म, आ ये 2 से 2 खत्म, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 21% की। ये हो गया दोस्तों बेसिक। चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। देखिए ट्रिक भी आप याद कर लीजिए, जैसे और कह दे कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए भुजा में, तो देखिए आप ये याद रख लीजिए कि +x + x + x × x/100, यानी इसको याद कर सकते हैं, या इसी का अगर कर देंगे जोड़ देंगे तो x x 2x + x से x में गुणा कर देंगे तो x² / 100, इतने प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ये याद कर सकते हैं, या ऊपर वाला, ठीक ना। अब देखिए इसी पर कर दीजिए, कह रहा है कि 10% की वृद्धि, तो x की जगह पर 10 रख देंगे तो सूत्र क्या है, 2x + x² / 100%। तो x की जगह पर क्या रख देंगे, 10 और प्लस x की जगह पर 10, तो 10 × 10 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 100, तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 2 से 10 में गुणा 20 और प्लस 1, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 21%, 20 से 21% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, यहाँ पर भी कितना आया है, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा में 20% वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था। तो देखिए दोस्तों वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर रहे हैं ना, तो 88 वर्ग मीटर बढ़ जा रहा है, 88 वर्ग मीटर, यानी एक्यूरेट मतलब वर्ग मीटर में कितना बढ़ा जा रहा है, 88, तो कितने प्रारंभिक क्षेत्रफल पूछा था। अब पता कर लीजिए कि प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, ये तो वर्ग मीटर में बढ़ गया, अब पता कर लीजिए कि प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों सूत्र लगा देंगे कि 2x + x² / 100,
कितने प्रतिशत की वृद्धि 20%। एक्स की जगह बीस रख दीजिए, 2 × 20 आप प्लस 20 × 20 बैठा में 100, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा 20 × 40 और प्लस 2 × 4 तो 44% तब कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 44% परसेंटेज में 44% आ संख्या में कितना 88 वर्ग मीटर, ठीक ना। तो अब 44% कह दे अगर अब कह दे कि क्षेत्रफल 44% बढ़ गया या 88 वर्ग मीटर बढ़ गया, तो दोनों बात एक ही हुआ, दोनों बात एक ही हुआ, ये इसका मतलब कि दोनों बराबर है। तो 44% बराबर 88, इधर पढ़ लीजिए कि 44% बराबर 88 वर्ग मीटर, ठीक ना। तो 1% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% कोई भी अगर नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक। 88 बटा कितना हो जाएगा 44। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पूछा है तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा 100 होगा, तो 1% का दाम इतना, तो 100% का दाम निकाल लीजिए, तो 100% का दाम हो जाएगा 88 बटा 44 आगे 100, 44 × 88 तो कितना गया 200 वर्ग मीटर, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 200 वर्ग मीटर। अगर ये कह दे कि वृद्धि करने पर क्षेत्रफल कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया था 88 वर्ग मीटर बढ़ गया था ना, यानी 200 में 88 जोड़ देंगे तो 288 वर्ग मीटर हो जाएगा मेरा आंसर। मतलब अगर कह दे कि बाद वाला क्षेत्रफल कितना है तो ये, लेकिन हमारा जो आंसर पूछा है उसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा में 10% की कमी कर देने पर उसका क्षेत्रफल 57 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था। तो देखिए दोस्तों, इस पर कमी हो गया कि 57 वर्ग मीटर क्या हो गया, उसके क्षेत्रफल में कमी आ गई। तो अब क्षेत्रफल में 57 वर्ग मीटर की कमी आ गई, तो पता कर लीजिए कि प्रतिशत में कितना कम हो गया है। तो वही सूत्र लगा देंगे कि 2x + x² बटा में 100। अगर इस पर करेंगे दोस्तों तो कमी कर रहा है ना, तो -x - x + x × x बटा में y, इस पर भी कर सकते हैं पहले वाले पर। तो इसी को -x - x कर देंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस ये x² हो जाएगा बटा में 100। तो ये इसी पर कर लीजिए, यहाँ पर माइनस में लगा सकते हैं उससे भी। अब कह रहा है कि इसके भुजा में 10% की कमी, तो कर दीजिए कि -2 × 10 प्लस 10 × 10 बटा में 100, बटा दीजिए 0 से 0 खत्म, तो 2 × 20 -20 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -19 प्रतिशत, यानी उसके प्रतिशत में उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ गई 19% के, और यहाँ पर कितना कमी आ गई 57 वर्ग मीटर का, 57 वर्ग मीटर है दोस्तों, सॉरी 57 वर्ग मीटर, 57 वर्ग मीटर की कमी आ गई। तो दोनों बराबर हो गया, 19% कम हो गया या 57 वर्ग मीटर कम हो गया, तो अब इसका मतलब कि दोनों क्या है बराबर है, तो 19% बराबर 57 वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर पर 1% बराबर 57/19। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पूछा है तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा हमारा 100 होगा, तो 100% निकाल लीजिए, 100% बराबर 57/19 आगे 100 57, तो कितना 300 वर्ग मीटर, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 300 वर्ग मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटिवश 2% अधिक लेने पर भुजा इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो देखिए दोस्तों, त्रुटि तो कहा है लेकिन भुजा में क्या कहा है कि 2% अधिक लेने पर, ठीक ना। तो इसका मतलब कि 2% अधिक, तो 2x + x² बटा में 100 बटा में 100, और कह दे दोस्तों कमी, तो कमी कहना कहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, तो 2 × x का मान कितना 2%, 2 + 2 बटा में 100, तो 2 × 4 प्लस 2 × 4 बटा में 100, तो 4 + 100 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.2 स्थान पर लग जाएगा, 0.2 कमजोर हाथ की ओर भाग जाएगा, कमजोर हाथ की ओर, 2 0 है ना, तो 0.2 यहाँ पर है तो यहाँ से भाग जाएगा 2 स्थान, तो 1 स्थान और 2 स्थान, देखिए 4 1 स्थान, ये 2 स्थान, 2 स्थान हो गया, 2 स्थान भाग गया 0.2 यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4 0.04, 4.04% क्या हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में त्रुटि आ जाएगी, यानी बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।